भाषा पे भी सीबीआई कहती है, क्या पूरा मामला है और अभी तक क्या सिचुएशन है? अभी तो स्थिति यहाँ पे कोई भी नहीं है, जो भी उपद्रवी तत्व थे उनको परिसर से बाहर कर दिया गया है। जो भी यहाँ पे घटनाक्रम हुआ है उसका हम उसका जायजा ले रहे हैं और किसी को वैसी अपरेंट वैसी चोट नहीं है, लेकिन नेचुरली कुछ लोग जो हैं यहाँ गाड़ियाँ कुछ जो हैं उनको नुकसान पहुँचाया गया है और जो भी उपद्रवी तत्व हैं हम आइडेंटिफाई करेंगे, हम उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। एफआईआर को लेकर कुछ जैसे कंप्लेनेंट कंप्लेन करेंगे तो हम एफआईआर दर्ज करेंगे और जो भी परिस्थिति बनती है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ऐसी परिस्थिति नहीं होनी चाहिए। यूनिट में कोई घायल तो नहीं हुआ? उनके यूनिट पे जो हमला हुआ था पत्थर या फिर अभी ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं आया है सामने। व्हीकल्स हैं नेचुरली जिन क्षतिग्रस्त हुए हैं, कुछ व्हीकल्स जिनकी कांच फूट गए हैं, 3-4 व्हीकल्स दिख रहे हैं वैसे, बट जो भी उपद्रवी तत्व है जिन लोगों ने भी किया है उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो क्या वो शिकायत के आपको दे रहे हैं या कर रहे हैं, कंप्लेंट कर रहे हैं? अभी वो एक बार मेरी एक राउंड बात हुई है उनसे, अब वो जैसे अगर वो कंप्लेंट करते हैं नहीं करते हैं दोनों परिस्थिति में, बट हम जो हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे और प्रशासन अपना काम जरूर करेंगे। सर मीडिया कर्मियों पे भी हमला किया उन्होंने, अगर आपके विरुद्ध भी अगर आपके ऊपर भी किया तो हम तो उन पे मैं आश्वस्त कर रहा हूँ कि हम कार्रवाई करेंगे और ऐसी स्थिति दोबारा नहीं निर्मित होगी, इसका भी प्रयास करेंगे। आगे कैसे शूटिंग जारी रहेगी? सुरक्षा बिल्कुल जारी रहेगी, सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम रहेंगे और ऐसी इंसिडेंट जो है वो रिपीट नहीं होगी किसी भी परिस्थिति में। मैं आपको भी आश्वस्त करना चाहता हूँ, मैंने यूनिट को भी आश्वस्त किया है और भोपाल के आमजन जो है उनको भी आश्वस्त करता हूँ कि ऐसी किसी भी परिस्थिति दोबारा रिपीट नहीं होगी। थैंक यू।